राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आज हम आपको एक नया विचारक पढ़ाते हैं, एक नई विचारधारा पढ़ाते हैं जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है और उसको हम मार्क्सवाद भी कहते हैं, उसी को हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स से पूर्व विद्यार्थियों समाजवाद का रूप जो था वो एक काल्पनिक था, एक तरीका से यूटोपिया पर आधारित था, कल्पनाओं पर आधारित। कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी समाजवादी हुए, जैसे एक तरीका से हम बात करें कार्ल मार्क्स के पूर्व के जितने भी समाजवादी हैं, वो सब कैसे हैं, कल्पनाओं में खोए रहते थे। उनके लिए एक बात कही जाती है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन उसके लिए कोई धरातल तैयार नहीं किया। तो कार्ल मार्क्स के पूर्व जितने भी समाजवादी हुए, चाहे वो नाइल बाबिक था, वेबुक था, सेंट साइमन था, चार्ल्स फोरियर था, ये सब कल्पनावादी हैं। कार्ल मार्क्स ही वह विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को एक तरीका से जो कहें कि मार्क्सवाद को, समाजवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने पहला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया। उसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने जो अपना सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हम साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, इसमें समाजवाद की व्याख्या है। कार्ल मार्क्स से पूर्व जो समाजवादी था वो एक तरीका से क्रमिक नहीं था। कार्ल मार्क्स ने उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। कार्ल मार्क्स से पूर्व का जो समाजवादी रहा है वो नियमोपटीका नहीं रहा, क्रमबद्ध नहीं रहा। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की जो व्याख्या की है और जो इतिहास की जो अवस्थाएं बताई है, और इसमें बताया है कि प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार का साम्यवाद था और किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अंतर, असमानता नहीं थी। कार्ल मार्क्स ने इस बात को अपने छह कालों में बांटा है, इतिहास की कहानी को छह अवस्थाओं में बांटा है विद्यार्थियों। पहली अवस्था जो है उसको नाम दिया है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम का मतलब होता है प्रारंभिक और साम्यवाद का मतलब होता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, साम्यता हो, समानता हो, अंतर नहीं हो, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, लेकिन इनका कोई भेद नहीं हो, तो ये आदिम साम्यवादी अवस्था थी। इसमें क्या था कि व्यक्ति जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, अपने पराये का कोई इसमें भेद नहीं था, व्यक्ति के पास अपना कोई भी निजी वस्तु नहीं थी। निजी वस्तु से मतलब ना उसका कोई अपना निजी परिवार था, ना कोई निजी घर था, और सब व्यक्ति मिल जुल कर रहते थे, जंगलों में रहते एक तरीका से, और जो वस्तु प्राप्त होती है उसको सब मिल बांट करके खाते, और एक तरीका से ये अवस्था कैसी थी, साम्यवादी थी। इसमें अपने पराये, तेरे मेरे, छोटे बड़े, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, इनका कोई भेद नहीं था। इसीलिए तो मार्क्स ने इस अवस्था को विद्यार्थियों नाम दे दिया है आदिम साम्यवादी अवस्था। यह आदिम थी, जंगलीपन की अवस्था थी। इसमें क्या है कि बर्बरता थी, असभ्यता थी, मानव शिक्षित नहीं था, लेकिन समानता जरूर थी, ऊंच नीच का भेद नहीं था, तेरे अपने पराये का कोई अंतर नहीं था इसमें, इसलिए इसको साम्यवाद नाम दे दिया गया है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि यह अवस्था बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रही, और जैसे ही व्यक्ति ने क्या है, जो ताकतवर थे, शक्तिशाली लोग थे, उन लोगों ने दूसरों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, अपने अधीन करना शुरू कर दिया, और उनसे जो काम कराना शुरू कर दिया, तो एक तरीका से जो समाज है वो दो भागों में बढ़ जाता है विद्यार्थियों, एक तो दास वर्ग और एक स्वामी वर्ग, स्वामी और दास। इस अवस्था में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इस इतिहास की इस दूसरी अवस्था में आकर के समाज दो भागों में बट गया, एक तो दास अवस्था और एक है स्वामी अवस्था। यानी एक वर्ग तो ऐसा था जिसके पास सारे अधिकार थे, सत्ता थी, और जो सब चीजों का मालिक भी था, और जो गरीबों को और जो कमजोर लोग थे उनको दास बना करके रखता था,
तो समाज दो भागों में बट गया। इसमें स्वामी वर्ग की संख्या कम थी और दासों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए स्वामी को डर था कि कहीं दास एक तरीका से क्रांति नहीं कर दें और उनकी सत्ता को समाप्त नहीं कर दें। इसलिए स्वामी लोगों ने अपना बचाव करने के लिए राज्य सरकार, पुलिस, सेना, कोर्ट, कचहरी, इन सब की स्थापना कर ली। क्या समझे विद्यार्थियों? कि दासों की संख्या तो ज्यादा थी, इसलिए डर था कि कहीं क्रांति नहीं हो जाए, इसलिए क्या था कि स्वामी लोगों ने ये सारी चीजें बना ली, कानून बना लिए और एक तरीका से शोषण करना शुरू कर दिया। दासों का जीवन एक तरीका से नारकीय जीवन था। दासों को उसी प्रकार से खरीदा और बेचा जाता था जैसे पशुओं को हाट बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। तो दास एक तरीका से शोषण का जीवन जी रही थी। दास की जो संतान थी वो भी मालिक के ही पर उनका अधिकार होता था। दास एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सजीव वस्तु थी जिस पर किसका अधिकार था? स्वामी का अधिकार था। अब बात आती है कि कुछ समय बाद ये दास अवस्था भी बीत गई कि जैसे जैसे दासों में चेतना जागृत हुई और दासों ने विद्रोह किया, तो दासों को क्या है, स्वामी लोगों ने, मालिक वर्ग ने उनको दासता से मुक्त कर दिया। लेकिन आगे क्या होता है विद्यार्थियों, कि समाज फिर दो भागों में बट जाता है। एक तो सामंती वर्ग, यानी सामंतिक वर्ग मतलब एक तरीके का जागीरदारी वर्ग, जागीरदार। तो जागीरदारी वर्ग में बट गया और एक बट गया किसान वर्ग में। तो किसान और सामंत दो वर्ग हो गए। ये किसान एक तरीका से पहले जो दास रूप में काम करते थे, अब वो जमीन के दास बन गए। अब उनका काम अपने जागीरदारों के लिए जमीन को जोतना, बोना, उनके लिए कमा कर देखना देना, ये काम था। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, पहले दास के रूप में जो शोषण हो रहा था, अब उनको दासता से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब वो जमीन के दास बन गए और जागीरदार या सामंत लोग उनका वैसे ही शोषण करते थे जैसे दास अवस्था में गरीबों का शोषण होता था। तो यहाँ सामंतवादी अवस्था आ गई, लेकिन इसमें वही शोषण और इसमें अत्याचार इसमें जारी रहा। समाज फिर दो भागों में बट गया, शोषक और शोषित वर्ग। तो कार्ल मार्क्स तो यही कहता है विद्यार्थियों कि हर अवस्था में समाज में विरोधी वर्ग होते हैं, दो वर्गों के बीच सामंजस्य नहीं हो पाता है और इसलिए क्या है, विद्रोह होता है, क्रांति होती है। तो सामंतवादी अवस्था में विद्यार्थी क्या समझा आपने कि सामंतवादी अवस्था में भी समाज दो भागों में बट गया, किसान वर्ग और जागीरदारी वर्ग। किसानों का काम एक तरीका से जमीन को जोतना, बोना, खेती बाड़ी करना और अपने जागीरदारों के लिए एक तरीका से कार्य करना था। एक अगली अवस्था आती है, जैसे 18वीं शताब्दी में मार्क्स ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वह यूरोप से हुई थी और यूरोप में भी कहाँ से, इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी विद्यार्थी? इंग्लैंड से। तो 18वीं शताब्दी में मार्क्स ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति होती है। इस औद्योगिक क्रांति का मतलब यही है कि विद्यार्थियों की जो काम पहले हाथों से होता था, यानी कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प था, अब वो कार्य धीरे धीरे मशीनों से होने लगा और एक तरीका से कैसा युग आ गया, मशीन का युग आ गया। और उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। एक तरीका से यूं कहें कि औद्योगिकरण शुरू हो गया, लौह युग आ गया और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। और एक तरीका से पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के पास संपत्ति का संकेंद्रण हो गया। जो पहले एक तरीका से स्वामी थे, बाद में जागीरदार बन गए, बाद में औद्योगिक अवस्था जब आई तो उस समय क्या है कि उनका जीवन एक तरीका से किस रूप में हो गया, पूंजीवाद के रूप में हो गया। यानी वो जमीन के पहले जो मालिक थे, अब वो धीरे धीरे पूंजीपति हो गए और समाज फिर दो भागों में बट गया। कौन से दो भागों में? एक तो मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। मार्क्स ने इस पूंजीपति वर्ग को एक नाम दिया है, क्या है, बुर्जुआ वर्ग। क्या नाम दिया है? बुर्जुआ वर्ग। तो ये तो पूंजीपति वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग। लेकिन जो गरीब वर्ग था उस गरीबों का शोषण होता था और गरीब वर्ग को नाम दिया है, क्या नाम दिया है विद्यार्थियों,
सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा नाम से क्या लग रहा है कि एक ऐसा वर्ग था जो सबसे निम्न स्तर का, सबसे हारा हुआ, सबसे गरीब दलित शोषित वर्ग था। तो ये वो वर्ग था जो मजदूरी के रूप में अपना जीवन यापन करता था, जो कल कारखानों में मजदूरी करता और अपने अपने क्या उदर पूर्ति करता। तो समाज फिर दो भागों में बट गया इस अवस्था में, चौथी अवस्था में आकर के पूंजीवादी अवस्था के बारे में मार्क्स ही कह रहा है कि ये अवस्था वर्तमान में चल रही है। तीन अवस्था तो पूरी हो चुकी है, आदिम आदिम साम्यवाद की हो गई, दास अवस्था हो गई, सामंतवादी अवस्था हो गई, और औद्योगिकरण के बाद अब चौथी अवस्था चल रही है मार्क्स की दृष्टि में, और उसको नाम दिया है पूंजीवादी अवस्था। इस पूंजीवादी अवस्था में भी शोषण जारी है। मार्क्स ये कहता है कि जब ये शोषण अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध मजदूर वर्ग संगठित होकर के क्रांति करेगा। क्या करेगा? क्रांति करेगा। मजदूरों को आह्वान किया है, मजदूरों को संगठित किया है, मजदूरों को प्रेरित करने के लिए एक नारा भी दिया है मार्क्स ने। उसका क्या नारा है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ। क्या हो जाओ? विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बंधन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, और पाने और जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ऐसा मार्क्स ने आह्वान किया है पूंजीपतियों को प्रेरित करने के लिए। तो इस पूंजीवादी अवस्था में क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाएंगे तो मार्क्स की दृष्टि में यह अवस्था भी बीत जाएगी, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, शासन सत्ता पूंजीपतियों के हाथ से निकल करके किसके हाथ में आ जाएगी? सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाएगी। तो एक नई अवस्था आएगी, और ये सर्वहारा वर्ग की अवस्था एक कैसी होगी? संक्रमणकालीन अवस्था होगी। कैसी होगी? संक्रमणकालीन अवस्था होगी। कहने का मतलब यह है कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इस समय क्या होगा कि राज्य सरकार और जो विभिन्न संस्थान है वो बनी रहेंगी। क्यों बनी रहेंगी? क्योंकि जो सर्वहारा वर्ग है वो इतना सक्षम नहीं होगा कि वो खुद अपना शासन चला सके, व्यवस्था को अच्छी तरीका से हैंडल कर सके, इसलिए राज्य और सरकार बनी रहेगी। तो ये अवस्था कैसे होगी? एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी। तो सर्वहारा वर्ग की अवस्था आ जाएगी, शासन पूंजीपतियों के हाथ से निकल करके सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाएगा, लेकिन राज्य और सरकार बनी रहेंगी इस सर्वहारा वर्ग की अवस्था में। लेकिन मार्क्स तो ये कहता है विद्यार्थियों कि एक दिन क्या होगा कि ये अवस्था भी बीत जाएगी। कौन सी अवस्था? सर्वहारा वर्ग की अवस्था भी जो बीत जाएगी, संक्रमणकालीन जो अवस्था है कुछ समय के लिए जो आई है वो खत्म हो जाएगी, और फिर से एक नई अवस्था आएगी जिसका नाम होगा साम्यवादी अवस्था, यानी मानव सभ्यता फिर से उसी स्तर पर पहुंच जाएगी, उसी चरण में पहुंच जाएगी जहां से मानव जीवन प्रारंभ हुआ था। जैसी अवस्था प्रारंभ में थी, आदिम साम्यवादी अवस्था थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, अपने पराए का कोई अंतर नहीं था, सब समान थे, कोई शोषक और शोषित नहीं था। तो वो जो अवस्था थी, ऐसी अवस्था फिर लाना चाहता है मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि वो अवस्था जो थी आदिम वाली अवस्था जो थी, और अब जो नई अवस्था आएगी अंतिम अवस्था जो आएगी उसमें अंतर होगा। इस अवस्था में तो व्यक्ति जंगली था, जंगलों में रहता था, असभ्य भी था, शिक्षित नहीं था, कोई इसमें क्या है कि अच्छाई नहीं थी। कहने का मतलब ये है समानता तो थी लेकिन उसमें दुर्गुण भी थे। लेकिन ये जो लास्ट में अंतिम अवस्था आएगी, इस छठी अवस्था के बारे में मार्क्स ये कह रहा है कि ये जो साम्यवादी अवस्था होगी ये पहली अवस्था से बिल्कुल भिन्न होगी। इस अवस्था में ना वही पहले की तरह शोषक शोषित नहीं होगा, लेकिन ये अवस्था पहली अवस्था से इसलिए भिन्न होगी। विद्यार्थियों कैसे भिन्न होगी कि इसमें सब लोग शिक्षित होंगे, सब लोग एक तरीका से सभ्य होंगे, जंगलीपन की अवस्था नहीं रहेगी, और मानव समाज एक तरीका से अच्छी जीवन जीने वाला समाज होगा। तो दुर्गुण इसमें नहीं रहेंगे, कहने का मतलब ये है। और इसकी खास बात ये होगी कि इसमें दो बातें कौन सी होंगी कि ये अवस्था एक तरीका से राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी। कैसी होगी विद्यार्थियों? राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था होगी। और इसकी एक खास बात ये होगी कि इसमें सभी अपनी योग्यता अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे,
ऐसा मार्क्स ने बताया है। क्या समझे कि सभी तो अपनी योग्यता जैसी जिसमें योग्यता होगी क्षमता होगी उसी के आधार पर वो काम करेगा और जिसको जितनी आवश्यकता होगी उतना ही उसको मिलेगा प्राप्त होगा, वेतन है चाहे वस्तु है। तो इसके बारे में दो बातें कौन सी सामने आ रही हैं कि इसमें सभी अपनी योग्यता अनुसार काम करेंगे आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे और इसमें न कोई शोषक होगा न कोई शोषित होगा, ये राज्यहीन और वर्गहीन अवस्था होगी। इसमें वितरण का एक ही माध्यम होगा कि अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति काम करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे, ऐसा मार्क्स ने इस अवस्था के बारे में बताया है। तो यहाँ हमने आपको छह अवस्थाओं के बारे में बताया। इन अवस्थाओं के बारे में मार्क्स ने एक ही बात बताई है कि अभी क्या है कि चौथी अवस्था चल रही है और शेष दो अवस्था अभी आनी बाकी है। कौन सी? सर्वावर्ती अवस्था और साम्यवादी अवस्था, ये आनी अभी बाकी है। वैसे मानव सभ्यता की जो प्रारंभिक स्थिति थी वैसी स्थिति में मार्क्स व्यक्ति को पहुंचाना चाहता है, यानी साम्यवाद फिर से लाना चाहता है और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के रहते हुए समाज में भेदभाव रहेगा, शोषक और शोषित में समाज बटा रहेगा और समाज में क्या है असमानता रहेगी। तो साम्यवाद कैसे आएगा जब तक असमानता को दूर नहीं किया जाएगा, पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा, समानता नहीं आ सकती है। इसलिए मार्क्सवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है, पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता है और फिर से साम्यवाद लाना चाहता है। यही मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। तो इस मार्क्सवादी विचारधारा में आज हमने इतिहास की छह अवस्थाओं की कहानी बताई कि प्रारंभिक अवस्था, इनको सब आपको क्रम से याद करेंगे और क्रम से याद करनी है क्योंकि पहली अवस्था के बाद दूसरी अवस्था है। ऐसा नहीं कि इनका क्रम उल्टा कर दें, ऐसा नहीं होगा, वो गलत है एक तरीका से। तो इनका क्रमिक जो चरण है वो याद भी रखना है आपको। और पहली अवस्था आदिम थी, दूसरी अवस्था दास अवस्था थी, तीसरी सामंतवादी या जागीरदारी अवस्था थी, चौथी अब वर्तमान की अवस्था पूंजीवाद है और शेष दो अवस्थाओं के बारे में मार्क्स ही कह रहा है कि ये अवस्थाएं भी आएंगी, सर्वावर्ती अवस्था और साम्यवादी अवस्था। तो इस तरीका से मार्क्स ने इतिहास को कितने कालों में बांट दिया? छह कालों में बांट दिया। आगे और भी कुछ विचार हैं मार्क्स के, उनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो यहाँ ये मार्क्सवादी विचारधारा पर हमारे आज का ये आपका टॉपिक रहा। धन्यवाद।